इनको सुन के गोल सेट क्रिएट किया है, साला उनके साथ रहकर इसको पूरा कर देना, उनके चेहरे पे स्माइल दूंगा कि भैया देखिए ना, छह महीने पहले आपकी वजह से गोल सेट किया गया था और छह महीने बाद उसकी अचीवमेंट मेरे सामने। छह साल पहले आपके साथ गोल सेट किया था और छह साल के बाद एक अचीवमेंट आपके सामने। बात तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? कोई भी काम, कोई भी चीजों को क्या करना है, यहाँ से दिल से करो, नहीं तो नाटक मत करो, ड्रामा मत। समझ में आ रहा है? अगर मेरे गोल की बात करेंगे तो मैंने भी इस साल एक गोल सेट किया, क्योंकि मेरे पास तो ना मुझे मोबाइल फोन लेना था, ना मुझे बाइक लेना था, ना मुझे लैपटॉप, ना कार, तो मैं भी सोच रहा था मैं क्या गोल सेट करूं, क्योंकि जो जो आप इसमें भरे पड़े हो पिछला कई सालों के लिए, पिछला कई महीने से बार बार डेट क्रॉस कर रहे हो, मेरा तो पूरी गोले क्रॉस हो गई है। मोबाइल फोन की गोल सेटिंग क्या करूं, मोबाइल फोन ऑलरेडी, बाइक ऑलरेडी है, मोबाइल फोन आज मैं बात करूं तो मेरे पास जो जेब में फोन है, एक फोन की कीमत 50,000 एक नया गोल बनते जाता है। मैंने भी गोल सेट किया कि मुझे क्या करना है लाइफ में, इस साल मेरा टारगेट क्या है, मैंने गोल सेट करी 2024-25 मेरा गोल सेट किया है। सबसे पहला मैंने स्टार्टअप किया, सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ जिनकी वजह से सिस्टम में मैं आया। मैं चाहूंगा भैया की मत बिगड़ा, मैंने इनको साक्षी मान के इनकी हरकतों को, इनकी एक्टिविटीज को, इनकी ह्यूमन सेंस को, इनकी कल्चर्स को, इनकी मैनर्स को मैं यहाँ पे रखता हूँ और ऑलवेज मैं इनको कॉपी करता हूँ। और मैंने स्टार्टिंग से लेके आज तक मेरे बीच में बहुत सारे अपलाइन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलवेज डिस्टर्ब करते रहे, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से देखा कि इन्होंने मुझे हमेशा से एक सही ही डिसीजन दिया कि ये चीज ऐसी करते हैं। और ऑलवेज मैं देखा कि हर चीजों को जब मैं सर्वे करके पाया तो लास्ट में मुझे इन्हीं की बातें समझ में ज्यादा आई, इसलिए मैंने सबको साइड किया। अंततः ऐसा हुआ कि मेरे और इनके बीच में जितने सारे के सारे साइडर हो गए। क्रिएट किया इस ईयर, ये मेरा सबसे पहला टारगेट है कि फर्स्ट क्वार्टर जो 8 वीक का है, उसी वीक से काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है, जिसकी क्लोजिंग 29 जून 2024 को होने के लिए जा रही है। मैंने सेट किया कि मुझे इस समय में, क्योंकि मैं कोई छोटा छोटा अचीवमेंट तो मुझे नहीं करना था, सोचा इस साल कुछ लेवल का अचीवमेंट कर लेते हैं, मैंने सेट करी कि 8 वीक में मेरा जो पहला टारगेट है, मुझे सबसे पहले इस 8 वीक में ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे अपना 16 स्टेप करके ना अपना सिल्वर लेवल कंप्लीट करना, ये मेरा सबसे पहला था। आठ वीक में मुझे करना है अपना लेवल सिल्वर, उसके बाद एक क्वार्टर क्लोज हो जाएगा, फिर हम लोग आएंगे जब फर्स्ट क्वार्टर की जब यहाँ रिपोर्टिंग में आएंगे तो आप लोग पाएंगे कि मैं अपना एक टारगेट पूरा करके आया रहूंगा और स्टेज पे आप लोगों को चिल्ला के बोलूंगा कि मैं अपना पहले क्वार्टर का 8 वीक का टारगेट 16 से पूरा करके आया। अब मुझे नहीं पता आप क्या पूरा करके आएंगे, आपकी क्या गोल सेट है, मेरी तो ऐसे ही है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरी क्लोजिंग आएगी सेकेंड क्वार्टर की, जिसमें मुझे 13 वीक मिलेगा और इस वीक का मेरा टारगेट है कि मुझे जो रिकॉग्निशन लेवल लेना है, मैं इसमें रिकॉग्निशन लेवल लूंगा, ज्यादा नहीं मैं गोल्ड करूंगा, लेकिन सिर्फ गोल्ड में तो होता है 32 स्टेप, लेकिन मुझे इसमें ऐड करना है 26 स्टेप और दोनों जोड़ूंगा तो मेरा टोटल हो जाएगा 42 स्टेप। ये मेरी होगी सेकेंड क्वार्टर तक की लेवल और इनकम 42 स्टेप का। लेकिन मुझे अब बात आती है थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की, मैं यहाँ पे सेट करके रखा हूँ लास्ट फिर मेरा। हाँ एक बात और है, जैसे ही मेरा फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर क्लोज होगा तो हाफ ईयरली क्लोज हो जाएगी। अब मेरी टारगेट है, मेरा खुद का ड्रीम है कि मैं हाफ ईयरली का रिकॉग्निशन प्रोग्राम न्यू 101 स्टेप ऑनवर्ड अचीवर के साथ करूंगा, ये मेरा गोल। और इस 21 वीक में मेरा टारगेट है कि ज्यादा नहीं 100 नए वन स्टेप ऑनवर्ड के साथ हम लोग मीटिंग करेंगे यही पे इसी हॉल में, ये मेरा आप लोगों से ओपन करूंगा। yes, मैंने
उसके बाद आएगा 28 दिसंबर को क्लोजिंग होगी। 28 दिसंबर को मैंने टारगेट सेट किया, ज्यादा नहीं मुझे अपना पर लेवल क्लोज करना है, तब तक मेरा हो चुका रहेगा 100 स्टेक, मेरा पर होगा 28 दिसंबर तक। फिर इस गोल को कंप्लीट करने के बाद मेरा टारगेट होगा लास्ट का 2025 का, जनवरी से स्टार्ट होगा और मार्च तक का इसका भयंकर तूफानी काम किया जाएगा था। इसमें मैं लेवल क्लोज करूंगा अपना, ज्यादा नहीं एनुअल रिकॉग्निशन लेवल में इस साल मैंने रूबी सेट किया है, कोई ओवर एडवांस टारगेट नहीं, रूबी लेवल कंप्लीट करके आगे, ये मेरा ओपन कमिटमेंट था। यस सर, कुछ भी हो सकता है। यस,
कुछ भी, क्या पता जितना मैं सोच रहा हूँ इससे भी ज्यादा हो जाए यार, इससे भी ज्यादा कहीं उम्मीद रख सकता हूँ। यस, कोई चांस ही नहीं है। यस, कम खत कोई चांस नहीं है। इसके आगे का देखना चाहेंगे। यस, क्या आपके पास 10 परफेक्ट गोल अचीवर गोल है? नहीं था, लेकिन मेरा तो अभी तक 10 हो चुका हूँ। इसके आगे का भी मेरा गोल है, इसके आगे का जो मेरा गोल है मैंने सेट करके रखा है 2026 25 और 26 की क्लोजिंग में। ये लड़का जो आपके सामने फोटो में दिख रहा है ना, इस साल की क्लोजिंग रूबी अगले साल की क्लोजिंग सलग कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही सफायर लेवल कंप्लीट होगा उसके बाद एक तूफान होने वाला है अचीवमेंट्स, बाढ़ आने वाली अचीवमेंट्स। एक ऐसा अचीवमेंट जिसको सुनने और जानने और देखने के बाद कुछ लोग तो पूरी सब्जी खिलाएंगे अपने गांव में, क्या ही होगी उनकी, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है दुनिया इधर से उधर हो जाए। मेरे पास जितने भी लोन्स हैं मैंने सोच करके 31 मई तक 2025 में ही सारे के सारे लोन क्लोज करने के बाद एक फिर से एक न्यू स्टार्टिंग होगा 2006 जुलाई। Yeah! बात आती है कैसे होगा? Yeah!